नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इप्सन L380 का जो है कि इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है कि ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है। ये जो पावर बटन है साथ में जो ये जो है ये आपका ब्लिंक हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे आज इसके बारे में इस वीडियो पे दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स मैं हूँ टेक्निकल पीसीएस जयाल माथो, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स क्या करना होगा, स्टार्ट में आपको स्टार्ट पे जाना है फ्रेंड्स। वहाँ पे जो है कि यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिख दीजिए। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद फ्रेंड्स उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो है कि यहाँ पे जो आएगा, अभी वेट करिए थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखिए आज कंट्रोल पर आ गया हार्डवेयर एंड साउंड। यहाँ पे जो प्रिंटर का डिवाइस है, डिवाइस एंड प्रिंटर, उसको क्लिक करना है फ्रेंड्स। क्लिक करने के बाद यहाँ जो है कि जो भी मॉडल का आपका प्रिंटर है उसको जो है कि आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है फ्रेंड्स। राइट क्लिक कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ मैंने अभी इसको राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है कि प्रिंटिंग प्रिफरेंस जो है फ्रेंड्स उसको क्लिक करना है। मतलब ये आपको चेक करना होगा जो रेड लाइट ब्लिंक हो रहा था साथ में और कंप्यूटर में क्या स्टेटस दे रहा प्रिंटर का, ये चेक करना होगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको मेंटेनेंस पे क्लिक करना है। अभी मेंटेनेंस पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ मॉनिटर 3 जो है, मॉनिटर 3 पे आपको क्लिक करना है। मॉनिटर 3 पे क्लिक कर दिए। देखिए यहाँ पर सर्विस रिक्वायर्ड आ रहा है, तो सर्विस रिक्वायर्ड अगर आता है तो आप लोग का ये जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व होगा। आप दिया हुआ नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आप लोग को फिक्स करके देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है कि और एक चीज़ करना है, ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए और रिसेट करने के लिए, करने से पहले आप लोग को जो करना है ये देखिए। स्टार्ट में गए, स्टार्ट में जाने के बाद जो है कि डिफेंडर लिखे, डिफेंडर पर जो सिक्योरिटी है एसेंशियल सिक्योरिटी उसको आपको डिजेबल करना होगा, या कोई अगर एंटीवायरस है तो उसको भी आपको डिजेबल कर लेना होगा पहले। तो मैंने यहाँ डिजेबल कर दिया, और सॉफ्टवेयर जो है मेरा यहाँ टूल्स जो है इप्सन का रिसेटर टूल्स उसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा फ्रेंड्स, उसको पासवर्ड दे के इसको ओपन कर दिए। ओपन करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन का हो गया, ओपन के बाद यहां देखिए ट्राई करना है फ्रेंड्स। ट्राई करने के बाद जो करना है आप लोग देख बने रहिए। अभी मॉडल सिलेक्ट करना होगा, तो मॉडल यहां पे जो है कि सिलेक्ट करिए आपका L380 या L383 या L385 या L485, ये चारों मॉडल का ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा इसी से। तो फ्रेंड्स यहां वेस्ट इंक पैड को जो है कि सिलेक्ट किया। उसके बाद जो है कि देखिए मेन पैड जो काउंटर है उसको मैंने यहाँ पे चेक किया। चेक करने के बाद देखिए 100% यूज हो गया, उसको इनिशियलाइज कर दिया। तो इनिशियलाइज करने के बाद फ्रेंड्स ये जो है कि मेरा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। इसको जो है कि अभी प्रिंटर को ऑफ करना होगा, एक बार टर्न ऑफ करके फिर दोबारा ऑन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टर्न ऑफ कर दिए। करने के बाद फिर से प्रिंटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स फिर इसको चेक करेंगे कि जो मेरा एरर था सर्विस रिक्वायर्ड का वो प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं। यहाँ पर जो है कि प्रिंटर प्रिफरेंस में गए, जाने के बाद एक बार फिर से मॉनिटर 3 यानी मेंटेनेंस पे जाके मॉनिटर 3 को एक बार चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं और मॉनिटर 3 को यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक किए, अभी देखिए मेरा प्रिंटर रेडी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार प्रिंटर पे जाके देखते हैं कि प्रिंटर का क्या स्थिति है। तो चलिए प्रिंटर को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो पहले ऑन करते ही रेड बत्ती जो आ रहा था, रेड ब्लिंकिंग हो रहा था, वो यहाँ पे बंद हो चुका है। तो चलिए एक बार प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा प्रिंट आता है। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट कर दिए। यहाँ पे प्रिंट का जो जेरेक्स वाला जो बटन है उसको मैंने क्लिक किया। अभी देखिए प्रिंट होके आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए प्रिंट होके आ रहा। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।